स्वागत है जी आपका नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो जो है वो फाइनली बन रही है कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर एक बंदे के हिसाब से। और ये जो वीडियो है इससे एक सवाल का जवाब और साथ में मिल जाएगा कि भैया कितनी कमाई होती है और कमाई के साथ साथ क्या हम यहाँ पे स्टूडेंट की फीस जो है वो पे कर सकते हैं। अपना दिमाग लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। तो अब मैं बात करूंगा आज इस बारे में कि क्या खर्चा टेक्निकली एक स्टूडेंट का ऑकलैंड में रहते हुए आता है और क्या क्या चीज़ें वो मिनिमाइज कर सकता है, क्या मैक्सिमाइज कर सकता है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी हम लोग आए हुए हैं वेस्ट फील्ड मॉल सेंट लूक्स का और यहाँ पे मैं और सुरभि आए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए। सामान लेना था, शॉपिंग तो क्या ही है, घर का कुछ सामान लेना था यार। कुछ कुछ चीज़ें आपको भी दिखा देता हूँ। दो तीन जगह जाएंगे आज, साथ साथ चलेंगे भी, काम भी नहीं है, कॉलेज भी नहीं है। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो जी गाड़ी लॉक कर देते हैं। चलो भाई पार्किंग मस्त है, यहाँ पे पार्किंग मिल जाती है बढ़िया। ये वाला मॉल सही है, ऑकलैंड में कोई है तो ये सेंट लूक्स काफी अच्छा मॉल है, यहाँ पर काफी लोग आते हैं। इसके अलावा एक मॉल और है सिल्विया पार्क में, एक है हेंडरसन में, काफी अच्छे अच्छे मॉल्स हैं यहाँ पे। अब चलेंगे के मार्ट। के मार्ट जो है ना यहाँ का काफी सही बिग बाजार बोल लो चाहे, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। यहाँ हाँ बॉम्बे में डी मार्ट है ना जैसे, वैसे यहाँ पे के मार्ट है और यहाँ पे काफ़ी सामान सही रेट पे मिल जाता है। इनफैक्ट अभी तक मैंने जितनी भी स्टडी करी है ना मॉल्स को लेके, जितने भी मार्ट्स हैं तो ज़्यादातर यहीं पे ही चीप सामान मिल जाता है, चाहे क्रॉकरी ले लो चाहे इलेक्ट्रिकल आइटम्स ले लो, इस तरह से रेंज होते हैं। अभी ये $2.5 के मग्स हैं यहाँ पे, एक बार हमने $1 का भी लिया था। अब जैसे अभी देख रहे हो क्लियरेंस सेल है, $1 का मग भी मिल जाता है, तो काफ़ी सारे सामान जो है यहाँ पे अच्छे रेट पे मिल जाते हैं। और हम लोग भी यहाँ पे ना एक्सटेंशन कॉर्ड लेने आए हैं, क्योंकि ना बहुत बार ऐसा होता है मेरे को ना गाड़ी जो है वैक्यूम करनी होती है और उसके एक्सटेंशन कॉर्ड की जरूरत पड़ती है। अब सुर भी ले आइए ट्रॉली, शॉपिंग करते हैं, साथ में बात भी करते रहेंगे और सारे सवालों के जवाब आज दे देंगे। ये तो बहुत पर ये अच्छा लग रहा है वाला कलर, तो फिर वो मिक्स हो जाएगा, रहने दो। अगर यहाँ पे शेयरिंग पे रह रहे होते हैं ना तो क्रॉकरी थोड़ी इस हिसाब से लेनी पड़ती है जो दूसरे बंदे के पास ना। अब होता क्या है कि पूरी दुनिया एक मार्ट उठ के आती है, सब एक एक दो दो तीन तीन डॉलर में मंग्स उठाते हैं, तो ये बड़ा चक्कर है। तो ध्यान रखना पड़ता है भाई कि आपके जो बगल वाला कमरा है उसके पास तो नहीं है सेम कप, फिर आपको वो नहीं ले सकते, कन्फ्यूजन इतनी हो जाएगी। अब सुरभि को ये ठीक लग रहा है, अब हम इसका प्राइस चेक करेंगे इसके स्कैनर के पास जाके। स्कैनर किधर है? वो रहा, इसके नीचे बार कोड लगा हुआ है ये वाला, ये इस पर लगा देंगे नीचे। ये आ गया रेट अभी मग $4, वेरी गुड। ये रख देते हैं वापस क्योंकि ये छोटा भी है और वर्थ इट नहीं है, बड़ा वाला ही ले लेंगे, इसलिए ये बिके भी नहीं लग रहा, ज़्यादा ही पड़े हुए हैं यहाँ पे। उससे बढ़िया तो ये वाला है ब्लैक वाला, बढ़िया। ये पता है कि ये भारी है यार थोड़ा, एक तो वैसे ही ये भारी, उसके बाद चाय अलग वेट, डोले बन जाएंगे। इलेक्ट्रिकल कहाँ गया यार, होम अप्लाइंसेस होगा या इलेक्ट्रिकल सेक्शन होगा, हमें वहाँ से लेनी है कॉर्ड। ये है अपना होम सेक्शन, यहाँ पे सारा घर का इलेक्ट्रिकल सामान मिलेगा ऐसा बताया गया है हमको, तो देख लेते हैं भाई किधर है। ये जो ब्रांड है ना एंको, ये वाली ब्रांड जो है एंको, ये ना इनकी इन हाउस ब्रांड है, इसको ये लोग बहुत प्रमोट करते हैं और आइटम भी बढ़िया हैं इनके, सस्ते टिकाऊ। आजकल वैसे भी ना ये ट्रेंड आ गया, आप देखोगे अगर अमेजोन या फ्लिपकार्ट सारे अपने अपनी ब्रांड्स निकालने में लगे हुए हैं इन हाउस, कोई भी चीज़ होती है उसका रेप्लिका टाइप बना के और अच्छा डिलीवर भी करते हैं, इट्स अ गुड आइडिया एक्चुअली। इनफैक्ट पैक एंड सेव का भी ऐसे ही है, उनकी भी इन हाउस ब्रांड्स हैं जैसे कि वैल्यू करके और पैम्स करके, और प्रोडक्ट वाकई में अच्छे हैं उनके, काफ़ी बिकते हैं, तो यही है फ्यूचर है। ये आपके स्क्रीन प्रोटेक्टर आईफोन्स के यहाँ मिल जाते हैं भाई, ये $6.5 के हैं, किसी की स्क्रीन प्रोटेक्टर टूट जाता है तो यहाँ से ले सकता है। सुरभि यहाँ बता रहे हैं इधर इस साइड पे, ये तो भाई फूल पत्तियाँ आ गई, बिहाइंड द वॉल बोला है। मिल गई मिल गई मिल गई, आ जाओ। हाँ 5 मीटर वाली है, 4 मीटर हमें चाहिए, 10 मीटर अपने को ये चाहिए ना एक्सटेंशन कॉर्ड, लेकिन ये तो 5 मीटर वाली है यार, यही चाहिए था भाई अपने को, ये वाली कॉर्ड चाहिए थी, बट ये 5 मीटर में है यार, मुझे 10 मीटर में चाहिए। लो स्टॉक दिखा रहा है ना, तो 2.5 ले लें, 2.5 ले लेंगे, ये तो दुविधा हो गई यार क्योंकि इंटरनेट पे दिखा रहा था कि अवेलेबल है। मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, हाँ यही चाहिए यही चाहिए, ऑकरी पड़ा है भाई ये, ये मामला भी बढ़िया हो गया भाई। यहाँ पे ना हाँ यहाँ पे रियल टाइम दिखाते हैं माल है कि नहीं, अभी ये जैसे ही है, ये इनका ERP इतना अच्छा इनकॉर्पोरेट किया हुआ है इन लोगों ने, अब जैसे ही ये स्टॉक आउट होया तो वहाँ पे दिखाने लग जाएगा कि भैया यहाँ मत आओ, यहाँ हमारे पास सामान नहीं है, ये बढ़िया है क्योंकि ये एक्चुअली में ये आखिरी पीस था।
मिल गया भाई अपने को यही। चलो अब शुरू कर लेते हैं मेन मुद्दे की चीज़। मुद्दे की चीज़ ये थी कि भैया एक बंदा जो है स्टूडेंट जो यहाँ पे आता है तो उसको इतना खर्चा आएगा एक हफ्ते में, तो मैं एक हफ्ते का ये खर्चा निकाल रहा हूँ और ये एक बंदे के हिसाब से है और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उस बंदे की सैलरी 380 to 400 के बीच में होगी। सो फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन लेट्स टेक $400 पर वीक आपकी अर्निंग है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले खर्चे की। खर्चा नंबर वन सबसे बड़ा वो होता है हाउस रेंट। भाई यहाँ पे है हाउस रेंट खतरनाक और यहाँ पर एक बंदे का जो खर्चा है वो $200 to $300 रहता है डिपेंडिंग ऑन योर कितना ज़्यादा अच्छा है, आप अकेले रह रहे हो, कितने लाख लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, कितने बाथरूम सब शेयर कर रहे हो। तो मोटा मोटा जो है अगर मैं बात करूँ तो रेंट जो है वो मैं पकड़े चल रहा हूँ $250। ये कम भी हो सकता है तो वो सेविंग हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा तो खर्चा है। तो रेंट नंबर वन इज़ $250 पर वीक। अब इसके अलावा अब नेक्स्ट खर्चा है ग्रॉसरी। अब ग्रॉसरी जो है जो मेरे अनुमान के हिसाब से मैंने एक बंदे की निकाली थी जब मैं भी अकेला आया था, तो कुछ कुछ मोटा माटी $25 के करीब बैठती है, जिसमें कि आपके अंडे हो गए, ब्रेड हो गई, दूध हो गया, टमाटर, प्याज और जो बेसिक चीज़ होती है जो आप लोग यूज़ करते हो डेली लाइफ में, इंडिया में भी करते हो यहाँ पे भी करते हो, वो सारी चीज़ें अगर आप लेते हो तो एक हफ्ते में $25 के करीब आपका वो खर्चा आएगा। अगेन इट वुड डिपेंड कि भैया आप जो है कि कितनी महंगी चीज़ें और क्या क्या ले रहे हो। पता लगा आप ग्लूटेन फ्री ले रहे हो, ग्रीक योगर्ट ले रहे हो, जो भी है वो आपकी पर्सनल चॉइसेस है, लेकिन एक नॉर्मल बंदे के लिए $25 का ग्रॉसरी का एक हफ्ते का खर्चा है। अब एक चीज़ और थी कि ना मेरा जो पर्पज़ होता है ना वो बाहर जाके जब मैं कहीं ट्रैवल कर रहा होता हूँ या कहीं पर भी कुछ करने जा रहा हूँ तभी वीडियो क्यों बनाता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं घर पर बैठ के बना सकता हूँ, मेरे लिए बहुत इजी है बनाना और काफी लोग ये करते भी हैं, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव में मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब मैं ढूंढ रहा था किसी यूट्यूबर को और मुझे देखने को मिलेगी भाई दुनिया है क्या एक्सेप्ट फॉर ब्यूटी, वो ठीक है लैंडस्केप पहाड़ रोड और पब वब सब दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली में एक डेली रूटीन में एक बंदे की लाइफ में कैसा दिन गुजरता है। इसीलिए मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो मैं आप लोगों को अपने साथ लेके जाता हूँ। स्पेशली मैं डिजाइन करता हूँ अपने डे को इस हिसाब से कि आपको मैं दिखा सकूँ कि भैया मॉल कैसे हैं, गाड़ियों की वर्कशॉप कैसी है, गाड़ी कहाँ से मिलती है, डीलर कैसे हैं। तो थोड़े थोड़े नीश सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसको मैं कोशिश करता हूँ कवर करने की और साथ में मेरे दो काम भी हो जाते हैं। तो ये मेरा एक डेलिबरेट एक्ट होता है कि आपको मैं अपने घर से बाहर जाके दुनिया भी दिखाऊंगी न्यूजीलैंड एक्चुअली में है कैसा। अभी करेंगे हम तीसरे खर्चे की बात जो कि है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट जो है बेसिकली अगर आपके पास गाड़ी है तो ठीक है, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है और अगर आप बस से ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो बस में आपका ऑन एन एवरेज आप लगा लो कि जितनी भी लंबी आप जर्नी कवर करते हो वन साइड जर्नी आपकी $1.50 की बैठेगी, तो हफ्ते में आपके हो गए $15। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आपके पास साइकिल है कि नहीं है, साइकिल ले लोगे तो खर्चे बहुत बचेंगे। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला था कॉलेज के पास रहो तो बेटर है, वर्क प्लेस के पास रहो और भी अच्छा है क्योंकि कॉलेज कम जाना पड़ता है, वर्क प्लेस ज़्यादा जाता है बंदा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके एक्सपेंसेस बचे तो आप इस तरह से अपने घर को चूज़ कर सकते हो कि आपका कॉलेज या घर पास में हो, तो $15 का आप एक हफ्ते का ट्रांसपोर्ट का खर्चा मान के चलो। अगर आपके पास गाड़ी है तो वो एक अलग ही सब्जेक्ट हो जाएगा, उसको मैं इंक्लूड कर ही नहीं रहा इसमें क्योंकि आपकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए अगर आपके पास गाड़ी भी होगी ना तो पहली बात तो आपकी गाड़ी की कॉस्ट आएगी, उसके बाद आएगा इंश्योरेंस, उसके बाद आएगी उसकी सर्विस, उसके बाद आएगा उसका मेंटेनेंस और सबसे बड़ा खर्चा आएगा फ्यूल का। तो ये सारी मैथमेटिक्स जो है ना मैं अभी अलग रख रहा हूँ, अभी मैं इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ में स्पेशली जब वो बिगनिंग में आता तो क्या खर्चा आता है उसके हिसाब से इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैडम ने सामान ले लिया है, अपना बाल्टी ले ली है देसी और ले लिया है ये सामान रखने के लिए रूम पे, ट्रॉली रुक नहीं रही है भाई। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अब आता है खर्चा नंबर फोर, वो है मोबाइल रिचार्ज। अब यहाँ पे स्किनी है, स्पार्क है और आपका 2 degrees है जो कि मेरे पास है 2 degrees, और इसके अलावा एक और भी है, स्किनी हो गया, स्पार्क हो गया, 2 degrees हो गया, वोडाफोन, यस। तो ये चार प्राइमरली ये चार ऑपरेटर्स हैं जिसका एक स्टूडेंट यूज करता है। और अगर आप मान के चलो 2 degrees, तो 2 degrees का जो मंथली खर्चा होता है वो होता है $20। तो लेट्स से कि $20 से डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं क्योंकि हफ्ते के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका $5 पर वीक। तो स्टूडेंट डिस्काउंट लगाने के बाद सब कुछ फलाना ढिमकाना करने के बाद आपका जो रिचार्ज होगा एक हफ्ते का, अगर आप वैसे एक हफ्ते का रिचार्ज नहीं होता एक महीने का होता है, बट मैं इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, तो वो $5 आप लेके चलो फोन का वीकली, $20 हो गया आपका मंथली। तो आपका ये भी एक फिक्स्ड खर्चा है, ये तो होगा ही होगा। इसके अलावा आप आ जाते हैं हम नेक्स्ट खर्चे पे। अगर आप घर ढूंढ रहे हो या आपने ढूंढ लिया है तो घर इस तरह से ढूंढना कि आपको लॉन्ड्री मिल जाए, लॉन्ड्री इन द सेंस कि आपको वॉशिंग मशीन मिल जाए। बेसिक चीज़ है, मिल जाती है काफ़ी जगह पे, काफ़ी जगह पे नहीं मिलती है। तो वॉशिंग मशीन मिल जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात है, वॉशिंग मशीन नहीं मिली तो भैया आपको जाना पड़ेगा लॉन्ड्री। और आप वाकई में यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो लॉन्ड्री जाते हैं, और इनफैक्ट अभी जब ठंडी आएंगी ना यहाँ पे तो सूरज तो निकलेगा नहीं तो कपड़े तो सूखने नहीं है, वो अलग एक पंगा है। तो उस केस में खुद हमको भी, क्योंकि मेरे यहाँ पे सब कुछ है लेकिन मुझे भी लॉन्ड्री जाना पड़ेगा, तो लॉन्ड्री का भी
खर्चा मान के चलो $3 से $5 का एक हफ्ते का, कपड़े इकट्ठे करोगे फिर लेके जाओगे बाहर, ये हमने भी करना है, अभी विंटर्स आने वाली है तो हमारी भी लगने वाली है। बट यस, इट्स ऑल्सो अ रेपिटेटिव एक्सपेंस विच यू कैन नॉट इग्नोर, तो ये भी एक खर्चा है, तो इसको भी आप लेके चलो। तो ये मोटा माटी जो है ना, ये बेसिक खर्चे हैं। अब इसमें आपके लाइफ स्टाइल पे भी डिपेंड करता है, आप कितना ऊपर नीचे कर लेते हो। भैया कोई लोग होते हैं जो दिन में 2 बार कपड़े चेंज करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको डेटा ज्यादा चाहिए, उनका रिचार्ज जो है $30 का होगा, कुछ लोग जो है वो बढ़िया खाना चाहते हैं, तो जो है घुमा फिरा के जो है, ये मैं वो वाली कहानी बता रहा हूँ। अभी मैं इसका टोटल भी बता दूंगा कि कितना बैठेगा। लास्ट खर्चा जो मेरे दिमाग में आता है बेसिक और मेन, वो है आउटसाइड फूड। होता क्या है कि अगर आपको कुकिंग आती है और आपको बेसिक चीजें आती हैं, तो आप घर पे तो खर्चा करोगे खाने पीने में, ग्रोसरी लाओगे, लेकिन इसके अलावा भी आप बाहर जाओगे और बाहर जाके भी कुछ ना कुछ तो खाओगे। तो अगर आप बाहर जाओगे कुछ खाने पीने, तो मेरे हिसाब से जो मेरा एस्टिमेट है मिसेलेनियस को एवरेज लेते हुए, वो कुछ $20 पर वीक का बैठेगा आउटसाइड फूड। तो ये भी एक खर्चा आएगा, क्योंकि ऑफकोर्स ये तो है नहीं कि आप रोज घर का ही खाओगे, बाहर जाओगे भाई मैकडी शेकडी भी जाओगे, KFC भी जाओगे, कहीं पर कोई नई क्यूजीन ट्राई करोगे, तो वो तो चलेगा ही चलेगा। तो ये भी एक ये भी एक रेपिटेटिव खर्चा आ रहा है। अब ये जो खर्चे हैं, ये जो मैंने बता रहा हूँ आपको, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने बहुत एनालाइज किया इस चीज़ को, बिकॉज आई न्यू आई विल हैव टू कम टू दिस पॉइंट टू एक्सप्लेन अ लिविंग कॉस्ट ऑफ अ स्टूडेंट। तो दैट्स द रीजन, कोई भी भाई लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो यहाँ पे रह रहे हैं काफी टाइम से, वो प्लीज जरूर बताना कमेंट में इसके अलावा भी कोई खर्चा अगर है तो, लेट्स हेल्प एवरीवन, बिकॉज हो सकता है कि मैं कुछ मिस आउट कर जाऊँ, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं इस चीज में, तो आप वो जरूर कमेंट बॉक्स में डालना जरूर। अब आप ये देखो, ये है टैक्टिक्स ऑफ मार्केटिंग। आप ये इसकी हाइट देखो, ये इतनी लो है क्योंकि ऑल द वे बंदा यहाँ से जाता है घूमते हुए, और जो बच्चे होते हैं उनका सारा सामान इन्होंने यहाँ पे इस तरह से लगाया हुआ है, रैबिट लगाया हुआ है, वहाँ बनी लगाया हुआ है, चॉकलेट्स ही चॉकलेट है चारों तरफ, बिकॉज उनको पता है कि इमोशनल शॉपिंग तो होनी होनी है, बच्चे ने उठाने लेना डब्बा और जान खा जानी है माँ बाप की। अब ना टोटल कर लेते हैं जितना भी मैंने अभी तक बताया है। आपका रेंट हो गया $250, आपकी ग्रॉसरी हो गई $25, बाहर खाओगे पर वीक $20, मोबाइल का मैंने ब्रेकअप बताया था मंथली $20 है, तो वीकली आपका $5 हो गया। अब इसके अलावा आपका जो आखिरी लॉन्ड्री का खर्चा है, लॉन्ड्री का खर्चा आपका बैठेगा $3 से $4 का। तो मोटा माटी जो आपकी सैलरी है, जो कि मैंने शुरू में बताई थी कि $400 है, और खर्चा कितना आया $300 के करीब, $300 आपका खर्चा है, आपकी जो सैलरी है वो $400 है, तो $400 - $300, अब आप ये लगा के चल लो कि आपके $100 बचते हैं इसमें। जो लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं ना कि आप फीस पे कर सकते हो हफ्ते में, आप बचा बुझोगे, तो आपका टोटल जो है $100 बचेगा। अब आप खुद ही मैथमेटिक्स लगा लो, आप 12 महीने में कितना ही बचा लोगे और क्या आप इसके थ्रू फीस पे कर सकते हो। एक्चुअली मेरे को अभी जाके ना असाइनमेंट करना है यार, फिर से असाइनमेंट आ रखा है एक सर पे, मैं सुरभि को बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी निपटा ले, वे घर चलते हैं यार, मेरे को असाइनमेंट निपटा के ना रिव्यू करना है, फिर शेयर भी करना है ग्रुप के साथ। हैं पंगे हैं थोड़े चल रहे हैं अभी असाइनमेंट के, ये ब्लॉक कोर्स ले लिया ना मैंने, तो ये दबा के असाइनमेंट आ रहे हैं। अब जो सैलरी मैंने $400 बताई, मैं दोबारा बता देता हूँ, ये टैक्स कटने के बाद है, ये वो पैसा है जो आपके अकाउंट में आके गिरेगा। तो $400 का आप यही लेके चलना है कि यही है सैलरी जो है ना, $380 to $400 के बीच में आती है। अगर आप 20 आवर्स पूरे काम कर रहे हो और आपकी सैलरी बेसिक पे और लिविंग वेज के बीच में फॉल करती है, आपकी सैलरी जो है $380 to $400 के बीच में आएगी इन हैंड। हम भी आ गए उसी आइल में भाई, पूरी चॉकलेट भरी हुई है चारों तरफ, बच्चा तो टेम्प्ट होगा ही होगा। अब इसमें स्कैन करेंगे मशीन में, और ये बोल रही है भाई कार्ड ओनली है, तो कार्ड ओनली को हम स्कैन लगाओ। अब ये मशीन है ना, इसमें यहाँ से स्कैन करेंगे, ये कार्ड मशीन है। अब इनका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, जो सामान है इसको यहाँ पे रख रहे हैं हम, ये वाला जो शेल्फ है, ये वाला इस शेल्फ पे ये वेट चेक करता है। अब जैसे सुरभि ने स्कैन किया है, अब ये इस पर रखेगी तो ये आगे बढ़ेगा, वेट का सीन है पूरा इस पर। यहाँ पे ना इतने सेल्फ चेकआउट है यहाँ पे कि आप मतलब इतनी लंबी लाइन दिख रही है, फिर भी इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है, बढ़िया एकदम चलती रहती है लाइन, थिंग्स आर रियली सॉर्टेड यहाँ पे। ये सारे सेल्फ चेकआउट हैं सारे, और अगर किसी को कस्टमर सर्विस पे जाके पेमेंट करनी है तो बहुत ही सिलेक्टेड है, एक या दो तीन ही चल रहे हैं फिलहाल। ये है सैटरडे और संडे का हाल, जैसा अपने देश में होता है वैसा ही है भाई, सब फुल भीड़ है, पार्किंग फुल है, सब कुछ फुल है। वैसे मैं एक बार वीकडे पे भी आया था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब कि पार्किंग मिल जाती है, बढ़िया रहता है मामला, शॉपिंग भी आराम से हो गई थी। आज सैटरडे है ना, क्योंकि सुरभि की छुट्टी सैटरडे संडे होती है। तो जी आ गए हम लोग अभी मोबिल पेट्रोल पंप पे, क्योंकि गाड़ी धुलवाने का टाइम भी आ गया था, गाड़ी बहुत गंदी हो गई थी, यहाँ पे होती है ऑटोमेटिक कार वॉश। तो अभी आ गए हैं, पर्ची ले ली है, अपनी करवाएंगे ऑटोमेटिक कार वॉश,
दिखाते हैं जी कैसी गाड़ी साफ होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की तरह तो है नहीं कि रोज सुबह बंदा आ रहा है गाड़ी साफ कर रहा है एंटीना खड़े करके जा रहा है। हम लोगों को ये सुविधा यहाँ पे खैर नहीं मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोग जो आते हैं वो आके अपना ऑटोमेटिक कार वॉश करवाते हैं। मेरा भी फर्स्ट टाइम है न्यूजीलैंड में, क्योंकि गाड़ी लिए हुए भी अभी एक महीना ही हुआ है। तो गाड़ी साफ करवाते हैं, आपको भी दिखाते हैं कैसा होता है। सुरभि अपना कॉफी ले रही है और हम इसके बाद बैठ जाएंगे गाड़ी के अंदर और गाड़ी के अंदर से शूट करेंगे। चलो जी, अब जी हमने यहाँ जाना है, ये तो आज के पेट्रोल के रेट है सारे, लेकिन हम ले जाना है इसके अंदर। ये है एंट्रेंस, मैं पास से जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ से जाएंगे हम अंदर, एंट्रेंस है, ये कार वॉश है, इसके अंदर गाड़ी धुलेगी, ऑलरेडी ये गाड़ी धुल रही है। उसके बाद वहाँ से बाहर आ जाएंगे, 5-10 मिनट का प्रोसेस है। और ये वाटर टैंक लगे हुए हैं। अब खास बात क्या है कि ये जो वाटर टैंक होते हैं ना, ये बारिश के पानी से ये लोग रिसाइकिल करते हैं इस पानी को, ऐसा नहीं है कि नए नया पानी यूज़ कर रहे हैं। तो रिसाइकिलिंग प्रोसेस है यहाँ पे प्रॉपर। ये पर्ची मिली है यहाँ से, ये पर्ची जो है इसमें कोड है, ये कोड हमने एंटर करना है वहाँ पे। अब दिखाते हैं पूरा प्रोसेस, चलो। कोड एक्सेप्टेड, बंद कर लो अपनी खिड़कियां। ये तो ऐसा है कि मतलब आप जो है महीने में एक बार आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे ना वैसे भी गाड़ी गंदी होती नहीं है खास कुछ, थोड़ी बहुत बारिश वारिश में कीचड़ विचड़ उछल गया तो उछल गया, अदरवाइज तो गाड़ी साफ ही रहती है। अब मैं को ये एक्चुअली देखना था ये चलता कैसे, काफी टाइम से मेरे को चुल रखी थी कि ये नहीं वैसे कैसे करता है। बारिश बहुत होती है ना तो जितनी भी गंदी हुई होती है गाड़ी वो खुद ही साफ हो जाती है। लेकिन यार यहाँ पे जो लोग न्यूजीलैंड में रहते हैं, मेरा उनसे एक सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग यार, कि मैंने जितनी भी गाड़ियां देख ली ना यहाँ पर, सारी गाड़ियों के साइड मिरर्स में ओहो भाई शुरू हो गया कमाल, आंधी आ गई गैब्रियल। तो मेरा सवाल ये था, जो लोग न्यूजीलैंड में ऑलरेडी रहते हैं, साइड मिरर्स में भाई इतने ज्यादा स्पाइडर वेब्स क्यों होते हैं? साफ कर करके थक गया मैं, स्पाइडर्स पर भी वेब लगा देते हैं, सीन क्या है? ट्राई कर दिया भाई, दरवाजे खुल गए हैं, थैंक यू हो गया है, अब ये रेड जो है ग्रीन हो जाएगा और अब हम चलते हैं ये आगे। हाँ जी, तो आ गए हैं न्यूलिन मॉल, कुछ काम था हमें छोटा मोटा यहाँ पे करने के लिए, तो ये काम निपटा के हम लोग अब निकलेंगे घर की तरफ। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के जरूर शेयर कीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मेरा नाम है मनीष रावत।